आपके पास एक वेबसाइट है, वेबसाइट में क्या करना है, आपको आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना है। अगर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना चाहते हो तो क्या चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपके लिए, कि आपका वेबसाइट में बाहर से ट्रैफिक आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वेबसाइट पर आए और वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को देखे, उसको परचेस करे। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे वेबसाइट में अभी विजिटर नहीं आ रहे हैं, बाहर से विजिटर नहीं आ रहे, तो क्या करके हम अपना वेबसाइट में विजिटर लाए जैसे कि हम लोगों का ज़्यादा परचेज हो, रेवेन्यू बढ़े, सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो में। तो आप क्या कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को आगे देखिए। तो पहला पॉइंट जानते हैं क्या करके हम अपना वेबसाइट पे ट्रैफिक लाए। पहला चीज़ क्या है, आप अपना वेबसाइट का परफॉर्मेंस बढ़ाइए। कैसे भी करके हम लोग गूगल पे रैंक कर लिए, दूसरे सर्च इंजन पे रैंक कर लिए, सोशल मीडिया पे अपना लिंक शेयर कर लिए, अभी जब हम लोग क्लिक करते हैं वेबसाइट लोड ही होते जा रहे हैं, लोड ही होते जा रहे हैं, तो वो ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आया नहीं। अब वो ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आया नहीं, बिना आते हुए लोडिंग टाइम पे ही वो कर गया बैक, तो अब क्या होगा, आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा, मतलब यूज़र आए बिना ही लौट गए। इससे क्या होगा, आपका स्पैम स्कोर बढ़ेगा, गूगल आपको अच्छा रैंक नहीं देगा, दूसरा चीज़ आपके पास विजिटर आए नहीं, तो सेल नहीं हुआ, रेवेन्यू नहीं हुआ। तो पहला चीज़ क्या करेंगे हम लोग, वो है हमारा वेबसाइट का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी पैंडेमिक चल रहा है, सब लोग घर पे हैं, सब लोग अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और दूसरे दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म पे। अभी वीडियो प्लेटफॉर्म पे हम अगर वीडियो बनाएं, ऐसे ही हम अगर एक वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, उसी वीडियो पे हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं और लिंक भी देते हैं, जो लिंक क्लिक करके व्यूअर जाते हैं वेबसाइट में, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस है यूट्यूब के पास, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस है दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म के पास, वो ऑडियंस को हम लोग गैदर किए, हमारे वेबसाइट को ले गए। अब वो ऑडियंस अगर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, अच्छा इन्फॉर्मेशन पाती है वेबसाइट से, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल होगा, जिससे आपका बेनिफिट, आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो तीसरा चीज़ मैं क्या बोला, वो बोला आप वीडियो बनाइए, वीडियो प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए और वेबसाइट का लिंक भी दे दीजिए। तीसरी बार उसी पॉइंट को हम लोग आगे लेते हुए मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि अब फिर से पैंडेमिक चल रहा है, फिर से जो पैंडेमिक चल रहा है, अभी फिर से लोग घर में हैं। अब लोग घर में हैं, इसका मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं किस में, इंटरनेट पे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड इंटरनेट पे हो रहा है, तो क्या करो, आप जितना भी आप नॉर्मल कंटेंट दे रहे थे इंटरनेट को, जितना भी ब्लॉग लिख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जो भी आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे थे, उसका परफॉर्मेंस या उसका नंबर ऑफ रेशियो उसका बढ़ा दीजिए। मतलब मान लीजिए हफ्ते में मैं 2 वीडियो बना रहा था, तो इस बार हफ्ते में मैं अभी कंडीशन में 3 वीडियो बनाऊंगा। मान लीजिए 2 ब्लॉग बनाते थे हफ्ते में, अब क्या कीजिए, 3 बनाइए। तो क्या हुआ, आप कंटेंट का क्रिएशन आप बढ़ा लीजिए, ताकि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस अभी घर पर बैठे हैं, तो ऑडियंस कंटेंट कंज्यूम करेगी, उसी कंटेंट पे अगर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन उनको प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में मिला, तो वो बिल्कुल वो प्रोडक्ट और सर्विसेज ले लेंगे, जिससे कि आपका वेबसाइट में भी विजिटर आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं ये आपको बोल सकता हूँ, जिस वेबसाइट पर, जिस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस है, आप उसी प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कीजिए, उसी पे आप कंटेंट शेयर कीजिए, उसी पे आप अपना वेबसाइट का लिंक बिल्कुल दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, बहुत प्लेटफॉर्म में है जिसमें बहुत सारा ऑडियंस है। अब उस ऑडियंस को फेसबुक की तरह, अगर फेसबुक के ऑडियंस को हम लोग कंटेंट क्यूरेट किए, उनको जो कंटेंट चाहिए हम लोग दिए, नीचे हमारा वेबसाइट का लिंक दिए, और इंस्टाग्राम में वैसे ही किए, ट्विटर में, लिंक्डइन में वैसे ही किए, जो कैंडिडेट को, जो एक पर्सन को चाहिए वही कंटेंट हम लोग दिए, और उसी हिसाब से वही सर्विस हम लोग अपने वेबसाइट में सर्विस किए, तो क्या होगा, वो सोशल मीडिया से वो लिंक क्लिक करके आ जाएंगे हमारे वेबसाइट पर। अब वेबसाइट पर आ गए तो वो हमारा ऑडियंस में काउंट होने लगेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका वेबसाइट का ट्रैफिक भी बिल्कुल बढ़ जाएगा। ईमेल मार्केटिंग क्यों नहीं कराते आप, एक सब्सक्रिप्शन बटन रखिए अपने वेबसाइट पे, लोग आएंगे कुछ चीज़ पाने के लिए, अपना ईमेल आईडी देके जाएंगे, और वही ईमेल आईडी को आप क्या कीजिए, आप रीमार्केटिंग करने के लिए आप बिल्कुल यूज़ कर सकते। कोई भी नया चीज़ आप ऑफर किए, कोई भी नया ऑफर दिए, कोई भी नया ब्लॉग पोस्ट किए, सब अपडेट आप ईमेल के हिसाब से अपना यूज़र को, अपना ऑडियंस को दे सकते हो।
इसमें क्या होगा, पर्सनलाइज टच रहेगा और ऑडियंस को अगर इमीडिएटली नोटिफिकेशन ईमेल के रूप से मिलता है जो उसको चाहिए था, तो वो बिल्कुल आपके वेबसाइट पर क्लिक करेगा और आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले लेगा। तो इससे क्या होगा, बोथ साइड बेनिफिट होता है, आपका और कस्टमर साइड का। तो आखिरी अगर मैं बोलूँ, ये सारा टेक्निक आपने एक कंज्यूम करके आपने यूज़ कर लिया फिर भी आप ट्रैफिक नहीं गेन कर पा रहे हो, तो आप क्या कीजिए, पेड एडवर्टाइज़ कीजिए। गूगल पे एडवर्टाइज़ कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, जो प्लेटफॉर्म आपको सही लगता है उसी पे आप पेड मार्केटिंग कीजिए, पेमेंट दीजिए, मार्केटिंग कीजिए, ट्रैफिक गेन कीजिए। वही ट्रैफिक धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन लेगी, फिर माउथ टू माउथ क्या होगा, आपका प्रमोशन होगा और धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते जाएगा। तो ये रहा मेरा फाइनल ऑप्शन कि आप पेड मार्केटिंग भी कर सकते हो। इस तरह नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो आप देखना चाहते हो, आगे जो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ वो भी आप देखना चाहते हो, तो आप क्या कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।